Hello friends, myself सोनवीर सिंह, वेलकम टू डिजिटल टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक नई सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ में आपको बताऊँगा मैं फोटोशॉप 7.0 के बारे में। ओके दोस्तों, तो स्पेशली इस जो सीरीज है, इस सीरीज में फोटोशॉप के मेरे कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 10 से 15 वीडियो होंगे और हर वीडियो में आपको टूल्स के बारे में बताता जाऊंगा एक साइड से, क्योंकि एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा क्योंकि मैं हर टूल के बारे में एकदम डीपली बताने जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों मेरे सारे टूल्स को देखने के लिए, हम टूल्सों का यूज़ कैसे करते हैं, टूल्स कैसे काम करते हैं, फ़ोटो कैसे बनाते हैं, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो या शादी के कार्ड वाले हों या फिर अपने पर्सनल हों, जैसे ही फ़ोटो पर आप काम करने वाले हों तो सारे फ़ोटो पे हमारे टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, हम अच्छे से कैसे यूज़ कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। तो दोस्तों ये जो मैं फ़ोटोशॉप खोल लिया, मैं फ़ोटोशॉप आपको खोल दिखाता हूँ। ये मैं गया अपने इस कंप्यूटर में, अंदर ये फ़ोटोशॉप खोला मैंने ये। ओके, ये फ़ोटोशॉप खुल रहा है मेरा। ये खुलने के बाद देखो यहाँ पे मुझे एक दो फाइल लेनी पड़ेंगे, फ़ोटो लेने पड़ेंगे, ताकि मैं उन दोनों फ़ोटो के ऊपर टूल्स का यूज़ करके बता सकूँ किस टूल का क्या यूज़ है। तो देखो आप जो ऊपर देख रहे हो, ऊपर वो टाइटल है, वो फ़ोटोशॉप है, ये मेनू है ये। ओके, और ये टूल्स ऑप्शन बार है। ओके दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे टूल बार है, ये टूल बार है, ये टूल बार में टूल्स हैं। ओके, तो टूल बार के अंदर टूल्स हैं और इन टूल्सों की मदद से हम फ़ोटो पर काम करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। ओके दोस्तों, ये लेयर है ये, क्योंकि हम किसी फ़ोटो के ऊपर लेयर बाई लेयर काम करते हैं। एक लेयर पर काम कर लिया, एक काम ख़त्म कर दिया, फिर दूसरी लेयर बना ली, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेयर दिखाएगा कितनी लेयर बन गई और आप किस लेयर पर काम कर रहे हो। अगर सपोज आप किसी लेयर पर काम कर रहे हो, अगर वो ख़राब हो गया तो सिर्फ एक ही लेयर का आपको डिलीट करनी पड़ेगी और बाकी सारा काम आपको बचा रहेगा। तो ये है हमारा लेयर बार, ये टूल बार। ओके, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं फाइल में गया, ओपन किया और एक फ़ोटो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। तो मेरा ये फ़ोटो है। ओके दोस्तों, तो इस फ़ोटो में देखो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहला जो टूल है मेरा वो है मूव टूल। ओके, इससे आप कीबोर्ड में वी दबा के सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आप सीट शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट तो आप कभी भी सीख सकते हो, बट मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर फुल प्रोसीजर बताऊँगा आपको। ओके, तो सबसे पहले देखो मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लिया। मूव टूल का काम है ऑब्जेक्ट को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ओके दोस्तों, छोटा करके मैं एक और फाइल लेता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ मैं। ओके, न्यू फाइल लेते समय आप देखो, आपको ये न्यू फाइल का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप साइजेस दे रखें कुछ, ये आप कौन सी साइज़ का फाइल लेना चाहते हो। ओके, तो मैं A4 लेना चाहता हूँ, आप यहाँ पर अपना भी डाल सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर कंटेंट उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड कलर या फिर ट्रांसपेरेंट, तो मैं वाइट ले लेता हूँ। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में आपको, फिलहाल आपको टूल के बारे में बता रहा हूं मैं। ओके दोस्तों, और ये मैं ओके कर दूंगा, तो ये मेरा फाइल आ गया। ओके, न्यू फाइल। अब मूव टूल का काम क्या है, जो ये पीस हैं, जो दो पीस लेटे हुए हैं, ये फ़ोटो मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पर डालना है। तो स्पेशली काम क्या है इसका, ये यहाँ से जैसे उठाएगा तो यहाँ से कॉपी कर लेगा अपने आप। ये देखो मैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, भैया सेलेक्ट कर लिया। ओके, इससे पहले देखो मैं बताऊँ आपको दोस्तों कि जब भी आप किसी फ़ोटो पर काम करते हो तो आप लेयर बना लो। ओके, यहाँ पे लेयर, ये लेयर बन गई है। ओके दोस्तों, बट मुझे अभी इसके ऊपर काम नहीं करना, मुझे काम करना है जो नई वाली लेयर है, नई वाली फाइल है ये, क्योंकि ये फाइल अलग है ये। ओके दोस्तों, तो जब चाहे इस पर काम करो चाहे इस पर काम करो, लेयर बना के काम करो। तो मैं अब यहाँ पर मैं मूव करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूँगा ये। ओके, तो देखो ये मूव हो गया। अब इसे बड़ा करके मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, ये सेट कर लिया मैं। ओके दोस्तों, सेट करने के बाद देखो जैसे जितना भी आप, जैसे ये फाइल है ये, अब इस फाइल के ऊपर मैं जितने भी फ़ोटो मैं पेस्ट करते जाऊँगा उतनी ही यहाँ पे लेयर बनते जाएंगे। ओके दोस्तों, ये मूव कर लिया, अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं दूसरा फाइल लेता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, अब मैं ये फ़ोटो लेता हूँ। ओके, अब मुझे ये वाले फ़ोटो, ये जो चिड़िया हैं जो, ओके सॉरी ये तोते हैं जो भी है, वर्ड हैं ये, यहाँ से मैंने मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ डालना चाहता हूँ। तो मूव का मतलब ये कॉपी करके यहाँ पे अपने आप कर देंगे,
यहाँ पे मैं पकड़ूंगा ऐसे और इन्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे ये मूव हो गया। ओके दोस्तों, और मैं और फोटो लेना चाहता हूँ दोस्तों, मूव टूल का प्रयोग मैं तभी आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। ये एक और ले लिया मैंने ये। ओके दोस्तों, अब इसका मैं भी इसको भी कॉपी करना चाहूँगा ना, तब इसका मैं यहाँ से इस फोटो को भी पकड़ के मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। ओके दोस्तों, तो ये फ़ोटो आ गया। अब ये फ़ोटो उसके नीचे ढक गया ये। ओके, तो आप इसे जो कॉर्नर पे जो आपको जो स्क्वायर जो दिख रहा है ये स्क्वायर, आप इसे पकड़ के छोटा कर सकते हो। ओके दोस्तों, और मूव का देखो क्या है, जो भी फ़ोटो आपको मूव करना है उसके ऊपर सेलेक्ट करोगे तब ये मूव होगा, बट कंडीशन एक है, वही कंटेंट वही ऑब्जेक्ट मूव होगा जो कंटेंट की लेयर आप सेलेक्ट करोगे। ओके, देखो यहाँ पे देखो कितनी, यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड हो गया, उसकी एक लेयर हो गई, और ये तीन फ़ोटो हो गए, ये एक दो तीन। ओके, तो तीन लेयर हो गए, तो जो भी लेयर सेलेक्ट करोगे वही फ़ोटो मूव होगा। ओके, तो देखो लेयर वन, ये लेयर वन कर रहा किस, अभी मुझे देखो ये मैं दबा रहा हूँ, इसे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि जो मैंने इस पर कुछ काम किया था अब वो अप्लाई नहीं किया अभी मैंने भी। मैं मूव के ऊपर दोबारा से जाऊँगा या अप्लाई करूँगा। ओके, ये अप्लाई हो गया, ये अब मैं लेयर वन में जाऊँगा, लेयर वन सेलेक्ट हो गया, अभी मेरा लेयर वन मूव होगा ऊपर नीचे। मैं किसी भी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके ऊपर नीचे करूँ या दाएँ बाएँ करूँ, वही मेरा ऑब्जेक्ट है, कंटेंट है, वही मूव होगा क्योंकि मैंने वही लेयर सेलेक्ट कर रखी है, क्योंकि वही कंटेंट मूव होगा जो लेयर सेलेक्ट करके रखोगे। अब मैं लेयर टू सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये मूव होगा, मैं लेयर तीन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये वाला होगा। ओके, और जो लेयर सेलेक्ट करोगे उसी पे काम होगा। ओके दोस्तों, तो देखो मैं ये लेयर सेलेक्ट करते इसी पे काम हो रहा है, यही छोटा बड़ा हो रहा है, इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ओके, तो जितना चाहो बड़ा कर सकते हो क्योंकि बाकी कोई बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने यही लेयर सेलेक्ट कर रखी है और यही। ओके, इसके बाद ये लेयर सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये मैंने इस पर कुछ काम किया, छोटा बड़ा किया है, इसे अप्लाई भी तो करना है। मूव के ऊपर जाइए, अप्लाई का ऑप्शन आएगा और अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये था मूव टूल का काम, मैं आगे बताते जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक टूल है, ये मूव जो मूव टूल है ये सारे टूल्स के साथ काम करता है, तो इसलिए ये टूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, ऐसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके दोस्तों, और इसको मैं हटा देता हूँ। ओके दोस्तों, अब देखो ये तो था मेरा मूव टूल, अब मैं बताऊँगा आपको लेसो टूल के बारे में। ये है सॉरी मार्की टूल, ये है लेसो टूल, ये है मार्की टूल। मार्की टूल में भी आपके ये चार टूल हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये चारों का काम क्या है, ये चारों सिलेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर में सिलेक्शन करता है, ये एलिप्टिकल में राउंड में सेलेक्ट करेगा, ये एक रो सेलेक्ट करेगा, ये कॉलम करेगा। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। मैं ये सेलेक्ट कर लिया। ओके दोस्तों, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसे थोड़ा खोल लेता हूँ, इस पर काम करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो मैं ये कर दिया और आप मैं सिलेक्शन करूँगा ये। सिलेक्शन करने के बाद देखो ये मैं रेक्टेंगुलर में ये सिलेक्शन हो गया। अब इस जो सिलेक्शन हुआ है इसको मैं अब काम कर सकता हूँ, इसे मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखो ये हो गया, मैंने ये फाइल खोल लिया। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये फ़ोटो सारे हटा देता हूँ, हटाने के लिए मुझे लेयर डिलीट करनी पड़ेंगे, जो लेयर डिलीट करूँगा वही फ़ोटो डिलीट होता जाएगा। ओके दोस्तों, मैं सारी लेयर डिलीट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, ये मेरा ये फाइल खाली हो गई। ओके दोस्तों, अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे ये एरिया सिलेक्शन करके रखा हूँ, ये कौन से मार्की टूल से, अब मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो मुझे मूव के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से इसे पकड़ूँगा और ये हो गया। ओके दोस्तों, तो देखो क्या हुआ है, यहाँ से मैंने जो जितना एरिया सिलेक्शन किया था वही मूव हुआ है। ओके दोस्तों, अब सपोज मुझे ये, मैं फिर मार्की टूल में जाता हूँ और फिर मैं ये एलिप्टिकल में सिलेक्शन करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे ये राउंड शेप में इलेक्ट्रिकल में मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ और फिर मैं मूव पे जाता हूँ और ये मूव लेता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो देखो ये हो गया मूव वाला हो गया। ओके, तो ये मूव में सिलेक्शन हो गया, सॉरी
ये इलेक्ट्रिकल शेप में हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। अब देखो इस फाइल के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था, जितने आप पेस्ट करते जाओगे, जितना भी आप इसको बदलते जाओगे, उतनी लेयर बनती जाएंगी और उसी हिसाब से काम होगा। ओके दोस्तों, अब मैं लेता हूँ इसे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया। ओके दोस्तों, इसके बाद देखो ये मैं बड़ा करता हूँ ये। अब इस पर देखो, ये मैंने आपको इसमें दो चीज़ बता दी मैंने आपको, रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल। ओके, अब ये सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम दोनों सेम है, बस जो अंतर है वो रो है वो कॉलम है, वो हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल। सिंगल रो मर्की टूल लेता हूँ मैं ये। ओके, अब इसको मैं जैसे मैं ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर काम आते हैं बॉर्डर के लिए, किसी फ़ोटो का बॉर्डर बनाने के लिए। ओके, तो देखो ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं ऊपर कॉर्नर पर लेता हूँ ये। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर कट कर दो, डिलीट कर दो, बस कीबोर्ड में आप डिलीट बटन दबाओगे, डिलीट मैं डिलीट बटन ये दबाता हूँ मैं ये। ओके, डिलीट बटन दबा लिया मैं ये, अब देखना आप ये। अब देख रहे हो ये, मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ ये। ओके, और ये कलर चेंज होते जा रहा है, आप देख रहा है। देखो मैं बैकग्राउंड में लेता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ। ओके, और ये ब्लैक कलर मैं चूज़ कर लिया। ओके कर लिया, अब मैं ऊपर लेता हूँ ये यहाँ पर ये, अब मैं ये फिर डिलीट करता हूँ। ओके, और देखो ये डिलीट, ये देखो डिलीट कर रहा हूँ ये। ओके, बार बार मैं ये आप लाने देख रहे हो ये। ओके, तो इसका यही काम है, आप दूसरा काम भी कर सकते हो, एडिट में जाके और कट कीजिए और फिर नीचे जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, एडिट और ये पेस्ट। तो आप देख रहे हो लाइनिंग यहाँ पर आ गई है, देखोगे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, अब जो नीचे देख रहे हो जूम थोड़ी सी लाइन आ रही है। ओके, तो मेनली स्पेस इसका यही काम है, बस बॉर्डर को बनाना। एक दूसरा काम भी है इसका, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जाइए, मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ, ये कॉलम वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये एडिट में जाइए, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखो ये बॉर्डर बन गया, अब मैं इधर बना देता हूँ मैं ये। अब फिर एडिट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और यहाँ पे ये ओके कीजिए, देखो ये बन गया। अब मैं ले लेता हूँ ये रो वाला। ओके, रो के लिए मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए और ओके कीजिए। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में जाइए, रेड कर लीजिए, ओके कीजिए, और यहाँ पर क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, ओके कीजिए। सॉरी गाइस, ये यहाँ पे फोरग्राउंड सेलेक्ट हो रखा है, तो आप फोरग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। ओके कीजिए, दोबारा से ले लीजिए, यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ इसी के ऊपर। ओके, और ये फिर मैं एडिट में जाऊँगा, स्ट्रोक एंड ये देखो यहाँ पर ये जो कलर देख रहे हो यहाँ पे वही आएगा, कलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्लैक था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे जो कलर रहेगा वही आएगा। ओके दोस्तों, ओके कीजिए, देखो रेड आ गया। तो ये था इस टूल का यूज़, इतना इस टूल के बारे में इतना ही काफ़ी है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टूल के बारे में, क्योंकि मुझे आज के वीडियो में सिर्फ तीन ही टूलों के बारे में बताना है मुझे। ओके, तो ये मूव टूल के बारे में बता दिया मैंने आपको, ये मर्की टूल के बारे में, अब बताऊंगा मैं आपको ये लैसो टूल के बारे में। तो लैसो टूल में हमारे क्या है, ये तीन टूल हैं ये, तो मैं फटाफट तीन टूलों को बताऊंगा। ये फ्री हैंड है ये। ओके, ये पॉलीगोनल हिंदी में बोलते हैं बहुभुजी। ओके, तो अभी मैं नया फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं इसे हटा के इसे नो करता हूँ। ओके, इसे भी नो कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बताना है। नया फ़ोटो ले लिया मैं, इसके बाद मैं ये ले लेता हूँ। ओके, ये फ़ोटो ले लिया, अब इस पर देखो मैं काम करता हूँ। तो मैं पहला लेता हूँ ये लेसर टूल, ले लेता हूँ लेसर टूल, ले लिया ये। इसके बाद में देखो एक बार क्लिक कर दिया इसके ऊपर, एक बार इसे दबा के रखिए। ओके, आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और जहाँ भी आप इसे ले जाओगे वो एरिया सिलेक्शन होता चला जाएगा। इसे दबा के रखेंगे, छोड़ोगे तो नहीं होगा, दबाते जाइए। ओके, और इसे जो भी एरिया आप सिलेक्शन करना चाहते हो वो एरिया सेलेक्ट करके
इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों आपको लास्ट में मिलाना होगा, तभी सिलेक्शन कंप्लीट होगा। ओके, और इसे छोड़ दो, सिलेक्शन हो गया। आप इसे एडिट में जाके आप इसे कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं कॉपी कर लिया ये। ओके, अब मैं एडिट में जाके इसे कट करता हूँ, ये कट गया, सपोज गलती से कट गया। अब मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, वापस आ गया। ओके दोस्तों, और मैंने कॉपी, ये एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, और इसे मैं दूसरी फाइल लेता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल, ये न्यू फाइल ले लिया। यहाँ पे मैं A4 साइज ले लेता हूँ, और ये यहाँ पे कलर वाइट रहने देता हूँ, और ये ओके करता हूँ, ये मेरा A4 साइज आ गया। हमने जो एरिया वहाँ सिलेक्शन करके कॉपी किया था, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, एडिट किए और ये पेस्ट कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये पेस्ट हो गया। तो देखो दोस्तों, ये तो था वहाँ से हमने कॉपी, जो उस टूल का जो काम है मेनली वो है सिलेक्शन करना। ओके दोस्तों, सिलेक्शन करना, तो ये तो था जैसे लेसो टूल बताया मैंने आपको। ओके दोस्तों, तो इसको क्या है? आप एक बार दबा के रखो उसे, और दबा के रखने के बाद जिस एरिया में आप सिलेक्शन करते जाओगे और वो एरिया सिलेक्शन होता जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर नेक्स्ट टूल की, इसी में ये पॉलीगोनल लेसो टूल, इसको सिलेक्शन करता हूँ। इसमें क्या है, आपको बार बार क्लिक करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया। ओके दोस्तों, और ये सीधा लंबा खींचेगा ये। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ये, और फिर एक क्लिक करता हूँ, फिर ये एकदम सीधा जाएगा ये। फिर इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये क्लिक करता हूँ दोस्तों, और आपको क्लिक का सिंबल आपके पास आ रहा होगा जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों, जैसे ही आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाओगे, ओके, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, अब इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने, जैसा कि पहले बताया था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, इसे ऐसे कर सकते हैं, आप इसे डबल क्लिक करके हटा भी सकते हो। ओके दोस्तों, अगर गलती से आपको ये हो गया, आप इसे बैक करना चाहते हो, जैसे मैंने ये कर दिया ये। ओके दोस्तों, ये हो गया, अब इसे बैक करना चाहते हो तो आप बैक स्पेस दबाते जाइए, बैक स्पेस दबाते जाओगे हटता जाएगा, और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये तो था हमारा सेकंड टूल ऑफ लेसो टूल। अब हमारा लास्ट टूल है मैग्नेटिक टूल। ये मैग्नेटिक टूल बाकी दोनों से अच्छा है, इन दोनों से अच्छा है ये, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार क्लिक कर दीजिए और ये क्या करता है कि दो कलरों के बीच में चलता है। जैसे इधर ये इस दूसरे टाइप का कलर है, इधर दूसरे टाइप का कलर है, ये दोनों कलर के बीच में एक बॉर्डर बन रहा है, लाइन सी बन रही है, तो ये उस लाइन को अपने आप डिटेक्ट करके चलेगा। ओके दोस्तों, मुझे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये अपने आप चलेगा ये। ओके दोस्तों, ये कलर डिटेक्ट करता है और चलते जाता है आगे, तो सबसे अच्छा टूल लगता है मेरे को ये, मैं इसी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। ओके दोस्तों, और इसका भी प्रोसीजर है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को आपको मिलाना होगा और क्लिक करना होगा, और बस वही प्रोसीजर सेम, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए या कट कीजिए। अब एडिट करता हूँ और यहाँ पर कट कर देता हूँ, जितना पोर्शन आपने सिलेक्शन किया था वो कट गया है। ओके, कंट्रोल जेड दबा देता हूँ मैं, वापस आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आज बताया मैंने इस वीडियो में कि हम इन तीन टूलों का यूज़ कैसे करते हैं, इन टूलों का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे देखते जाइए मेरी सीरीज, मेरी सीरीज़ का ये पहला वीडियो था, और इस वीडियो के तहत आपने सीखा कि इन तीनों टूलों का यूज़ कैसे करते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट टू, उस वीडियो का नाम रहेगा फोटोशॉप 7.2 वीडियो नंबर 2, ऐसे कुछ करके नाम रहेगा, और वो इसी में रहेगा, वो जहाँ पे मैंने वीडियो आज ख़त्म किया है वो वीडियो मेरा वहीं से चालू होगा। फिर नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको मैजिक वैन टूल, क्रॉप टूल, और ये स्लैग टूल, और ये हीलिंग ब्रश टूल। ओके, तो करने को तो मैं सारा कर सकता हूँ ये, बट बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो धीरे धीरे देखते जाइए मेरा वीडियो, देख और सीखते जाइए फोटोशॉप के बारे में। अगर आपको सारे टूल्स का यूज पता है तो आप कैसा भी फ़ोटो बना सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं कुछ जैसे लेयर्स कैसे काम करती हैं, लेयर पर हम कैसे काम करते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, और कुछ वीडियो ऐसे हैं जो फोटोशॉप से रिलेटिव हैं, जो कि मैंने अपने इस फ़ोटो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस लिंक को खोल के आप वो वीडियो देख सकते हैं।
तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ बता दो, बताना मैं भूल ही गया मैं, कि दोस्तों देखो, अगर आपको इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए आपको, तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अच्छा लगता है कमेंट कीजिए। हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आपको वीडियो में कुछ शिकायत है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा उस आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, चाहे वो वीडियो बना के दूँ या कैसे भी दूँ। अगर कमेंट बना के मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, सब्सक्राइब तो करना ही होगा आपको, अगर आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।